class, what we have discussed in our last class, chapter 4, chapter 2, Kabuliwala. Okay? And today we are going to start our question answer of chapter 2. सबसे पहले अपन देखेंगे हार्ड मीनिंग. टॉकेटिव, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग ए लॉट, क्विट, स्टॉप टॉकिंग. एंड फ्राइटेंड, अफेयर्ड, बिलीव, कंप्लीट ट्रस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. चेक, लार्ज बैग्स मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल, फॉर एवर, परमानेंटली. ब्रॉड, वाइड. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर. हाउ ओल्ड वाज मिनी? मिनी कितने ईयर की थी? 5 ईयर्स. तो यहाँ पे राइट करेंगे अपन 5 ईयर्स. व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर सर्वेंट? सर्वेंट का क्या नेम था? ज्ञानू. होम डिड द काबुलीवाला वेंट टू मीट? काबुलीवाला किससे मिलने के लिए गया? मिनी से. अब देखिए ट्रू फॉल्स करने अपने को. राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. लिटिल मिनी वाज वेरी नोटी. जो लिटिल मिनी थी वो बहुत ही शरारती थी. ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बिल्कुल ट्रू होगा. मिनी यूज टू बी क्विट ऑल द टाइम. ये क्या होगा? फॉल्स. मिनीज फादर वाज बिजी विथ हिज नॉवेल. ये होगा ट्रू. बिजी थे ना उसके फादर नॉवेल में. द काबुली वाला बिकम मिनीज नैमी. ये क्या होगा? फॉल्स होगा. मिनी यूज टू टॉक एंड क्रैक जॉक्स विथ द काबुली वाला. ये ट्रू होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट फॉर्म बिलीव डिड मिनी हैव अबाउट ऑल काबुली वालास? जो मिनी जो थी वो सभी काबुली वाले को क्या समझती थी? तो मिनी हैड फॉर मिनी हैड फॉर बिलीफ दैट ऑल काबुली वालाज कॉट CAUGHT caught children ठीक है. Children put them into their sack and took taken away. मिनी जो थी वो सभी काबुली वाले को समझती थी कि वो सब छोटे बच्चों को एक बोरे में डालकर वो पकड़ कर ले जाते हैं. हु कैन टू मीट मिनी ऑन द डे हर मैरिज. मिनी की जब शादी थी तो उसे कौन मिलने के लिए आया था? काबुली वाला कैम टू मीट
मिनी मिनी ऑन द मिनी ऑन द डे मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज ऑफ हर मैरिज उसकी शादी वाले दिन मिनी से काबुली वाला मिलने आया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड वाज मिनी व्हेन द काबुली वाला केम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब काबुली वाला फर्स्ट टाइम मिनी के घर पे आया था तो मिनी कितने साल की थी। मिनी वाज 5 years old when the काबुली वाला ठीक है, काबुली वाला came to her house for the first time ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मिनी से काबुली वाला मिलने आया था तो मिनी 5 ईयर की थी। व्हाट डिड द काबुली वाला से टू मिनीज फादर ऑन द डे टू हर मैरिज। उसकी शादी वाले दिन मिनी जो काबुली वाला था उसने मिनी के फादर को क्या कहा। काबुली वाला रिक्वेस्टेड काबुली वाला रिक्वेस्टेड मिनीज फादर दैट ही वांटेड टू शी मिनी टू शी मिनी बिकॉज ही वाज गोइंग टू हिज होम टाउन फॉरएवर। उसकी शादी वाले दिन जब काबुली वाला उसके घर आया था तो मिनी के फादर से क्या कह रहा था। वो मिनी के फादर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे आने दीजिए, मुझे मिनी से मिलने दीजिए, एक बार मैं उसको देख लूँगा, उसके बाद में मैं हमेशा के लिए मैं अपने घर चला जाऊँगा ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द इनकरेक्ट प्रेफिक्स एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। अपने को इनकरेक्ट प्रेफिक्स पर अंडरलाइन करनी है और सेंटेंस को वापस से राइट करना है। अमित इज वेरी अनलॉजिकल इन हिज रीजनिंग। तो इसको कैसे करेंगे, अमित इज वेरी इनलॉजिकल इन हिज रीजनिंग ठीक है। अमित इज वेरी अनलॉजिकल की जगह क्या हो जाएगा, इनलॉजिकल ठीक है। इनलॉजिकल इन हिज रीजनिंग ठीक है। नेक्स्ट, नेहा इज लॉयल एंड
मिस एल्विस, नेहा इज लॉयल एंड मिस एल्विस, तो यहाँ पे मिस एल्विस क्या हो जाएगा अनसेल्फिश, ये मिस एल्विस क्या हो जाएगा अनसेल्फिश, तो नेहा इज लॉयल, नेहा इज लॉयल एंड अनसेल्फिश, अनसेल्फिश। नेक्स्ट द मैन वॉज वेरी अनपोलाइट एंड रूड, तो अनपोलाइट क्या हो जाएगा इम्पोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, द मैन वॉज वेरी, द मैन वॉज वेरी इम्पोलाइट, इम्पोलाइट एंड रूड, एंड रूड। नेक्स्ट चिल्ड्रन एट लॉट्स ऑफ इनहेल्दी फूड नोवेडेज, इसको इनहेल्दी को क्या कर देंगे अपन अनहेल्दी, ठीक है। देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एट लॉट्स ऑफ इनहेल्दी की जगह हो जाएगा अनहेल्दी, अनहेल्दी फूड नाउ दिस, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे, द मेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।